फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज, आपके ऐसे फैमिली मेंबर्स जो गुजर चुके हैं, पास ऑन हो चुके हैं और आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। ऐसे सोल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स, आपके पास्ट लव्ड वंस की तरफ से आज हम मैसेज देख रहे हैं। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहते हैं, आपके जर्नी में कैसे आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम आज के रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द रीडिंग, आज के प्रेयर्स के बारे में बात करते हैं। आज स्पेशल प्रेयर्स मैं कर रही हूँ ऐसे सोल्स के लिए जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा स्थान पा चुके थे, एक अच्छे स्थान पे थे, आप उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे और फिर अचानक या फिर किसी जर्नी के थ्रू उनकी डेथ हो चुकी है, वो पास ऑन हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि उनकी आफ्टर जर्नी जो है वो सुख भरी रहे, अच्छी रहे, प्यारी रहे और वो हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें, अगर आप चाहते हैं तो। ऐसे सोल्स के लिए आपकी लाइफ में मैं आज प्रेयर्स करने वाली हूँ और आज के प्रेयर्स को रिसीव करने के लिए और आपके एंसेस्टर्स तक, आपके पास्ट लव्ड वंस तक पहुँचाने के लिए आपको बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिखना है, ताकि आपका नाम पढ़कर मैं आपके एंसेस्टर्स और आपके पास्ट लव्ड वंस के लिए प्रेयर कर सकूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। देखते हैं कि आपके लव्ड वन जो हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं, क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें मैसेज दीजिए एंसेस्टर्स एंड पास्ट लव्ड वंस की तरफ से। मैं मेरी रीडिंग्स जो बनाती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स की एनर्जीज से बनाती हूँ, तो अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो आज का वीडियो आपको डेफिनेटली रेजोनेट होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि ये वीडियो और आने वाले आगे के सारे वीडियोस आपको रेजोनेट होना शुरू हो जाए। और साथ ही अगर आपने बेल आइकॉन क्लिक नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकॉन होता है, अगर वो क्लिक नहीं किया है तो वो भी क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप मिस आउट नहीं कर देंगे। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प मी कनेक्ट विथ द एंसेस्टर्स एंड पास्ट लव्ड वंस। एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प मी कनेक्ट विथ द लव्ड वंस। ओके, दो कार्ड्स गिरे हैं, ले लेते हैं। फाइव ऑफ इमोशंस, क्वीन ऑफ मटेरियल्स, ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने नहीं लेने। गिव मी फ्यू कार्ड्स। ये कार्ड यहाँ पे गिरा है, ले लेते हैं। एट ऑफ वॉइसेस, ये भी दो कार्ड्स गिरे हैं। वी हैव म्यूज ऑफ मटेरियल्स, फाइव ऑफ मटेरियल्स एज वेल। ओके, वी हैव नाइन ऑफ इमोशंस, वी हैव टू ऑफ वॉइसेस, और ये दो कार्ड्स उल्टे हो गए थे, नाइट ऑफ इमोशंस एंड नाइन ऑफ मटेरियल्स। ओके, सी अ लॉट ऑफ एनर्जी, फाइव की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, नाइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो आप लोगों के लिए दिखाई देती है वो ये है कि आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप पास्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जो बीत चुका है, जो हो गया है, जो गुजर चुका है, उसके ऊपर आपका काफ़ी फोकस है, जो नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कि पास्ट में मेरे साथ गलत हुआ है, इसलिए अभी मेरी ज़िंदगी ऐसी है,
या फिर ऐसा एक्स के बारे में आप शायद ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर किसी किसी चीज़ का गिल्ट है आपको कि ये नहीं करना चाहिए था, किसी चीज़ का रिग्रेट है ये नहीं करना चाहिए था, या फिर इसकी जगह वो हो जाता, उसकी जगह ये हो जाता, तो चीज़ें अलग होती, सिचुएशन अलग होता। ये जो हमारा बेसिक फीलिंग होता है, ये आपका फीलिंग काफ़ी हाइटेंड इस वक्त में दिखाई देता है। तो आपके एंसेस्टर्स, आपके पास्ट लव्ड वंस आपको कहना चाहते हैं कि ये वक्त पीछे जो हुआ है उसके ऊपर फोकस करने का नहीं है। ओके, जो हो चुका है वो सिर्फ एक लेसन की तरह देखो कि ये मिस्टेक हमें नहीं दोहरानी है। शायद आप कुछ ऐसा कदम उठाने जा रहे हो जहाँ पे जिसने पहले आपको ठगा है, पहले चीट किया है, उस पर ही शायद आप वापस भरोसा कर रहे हो, या फिर उसी की बातों में आ रहे हो। ऐसा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपनी लाइफ को ज़रूर एक बार रीचेक कर लो, अपने स्टेप्स को एक रिट्रेस करके देख लो कि सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, या कोई रिपीट मिस्टेक तो कोई रिपीट करने नहीं जा रहे हो ना, ये भी सोचने की कोशिश करो, ये भी कैलकुलेट करने की कोशिश करो अपनी लाइफ में। आपके एंसेस्टर्स आपको एक वार्निंग देना चाह रहे हैं कि अगर वही मिस्टेक तुम दोहराना चाह रहे हो और वही चीज़ तुम कर रहे हो और रिज़ल्ट तुम इस बार अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो इंसान जिस पर ट्रस्ट कर रहे हो, जिसने पहले धोखा दिया है, वो आगे भी तुम्हें धोखा ही देगा। ठीक है, ओवरनाइट किसी में चेंज नहीं आता है, तो अपनी मिस्टेक मत दोहराओ, वापस उस इंसान पे भरोसा मत करो। या फिर ये एक चीज़ हो गई, और दूसरा चीज़ ये हो सकती है कि आप बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जो पास्ट में हो चुका है उसके ऊपर। ओके, जो खो दिया है, जो चला गया है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और आपके हाथ में जो है या फिर आने वाला है उस पर आप बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर रहे हो, और आप लेट गो कर रहे हो चीज़ों को। तो पास्ट को लेट गो करना ज़रूरी है। फ्यूचर आएगा, फ्यूचर निभाने का टाइम आएगा, बट प्रेजेंट को जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ में आज क्या है वो उसको देखो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, आई ऑल्सो सी क्वीन ऑफ मटेरियल्स विच सजेस्ट यू कि आपका क्वीन है, नाइट है, एक समय बदल रहा है। ओके, फाइनेंशियली भी आई कैन सी समवेयर, ये दो चीज़ें अगेन हो सकती हैं। एक तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में हो सकता है, फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर, या फिर अपनी लाइफ को काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके ज़िंदगी में कुछ हो सकता है कि अभी उतार चढ़ाव आ गए हों, और काफ़ी अलग एक्सपीरियंस कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में, और उसे अपनी ज़िंदगी में कहीं आप फिट नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, ये क्यों हो रही हैं ये समझ नहीं आ रहा। जैसे कि हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से भी आपको साइंस आ रहे हों, एंजल्स की तरफ से आपको साइंस आ रहे हों, पर उनका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है। सवाल कैसे पूछे, जवाब कैसे ले आए, उसका मतलब आपको कहीं समझ नहीं आ रहा, हो सकता है कंफ्यूजन में हो। दूसरी चीज़, और एक चीज़ ये हो सकती है कि आपका बिलीफ सिस्टम, फेथ सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ गया है। आप ये शायद सोच रहे हो सकते हो कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, ऐसी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं, ये दुख, ये डिफ़िकल्टीज़ मुझे ही क्यों, ये शायद आप सोच रहे हो। तो समवेयर आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि भगवान पे, उस यूनिवर्स पे आँख बंद करके अपनी विश्वास रखो, और फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर बनाने की, या फिर फाइनेंस पे ध्यान देने की, करियर पे ध्यान देने की ज़्यादा कोशिश करो। ओके, आई ऑल्सो सी आप लोगों के लिए वी हैव एक 9 की सिंक्रोनिसिटी काफ़ी ज़्यादा है। वी हैव 9 ऑफ मटेरियल्स, वी हैव 9 ऑफ इमोशंस। सो समवेयर आप लोगों का, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें आपने नोटिस की होंगी कि आप जो हल्के हल्के में मैनिफेस्ट करते हो ना, वो कंप्लीट हो जाता है, पर आप जिस चीज़ को दिल से बहुत शिद्दत से चाह रहे हो, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रही है। ओके, 9 ऑफ इमोशंस से हमें कहीं ना कहीं ये फीलिंग ये होती है कि आप हल्की हल्की चीज़ें में, जैसे हल्के में बोल देते हो ना कि ये मेरी ज़िंदगी में हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, या फिर ये अगर मुझे कोई पॉइंट पे मुझे मिल जाए ये चीज़, तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, और फिर आप उस चीज़ को बोल देते हो, भूल जाते हो, और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो जाती है। पर जिस चीज़ को, जैसे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, या फिर ट्विन फ्लेम का, या फिर सोलमेट का आपकी लाइफ में रीयूनियन, वापस आ जाना, या फिर हेल्थ पूरी तरह से ठीक हो जाना, ये चीज़ें जो हैं, ये आप अगर बहुत शिद्दत से चाह रहे हो कि ये चीज़ें हों आपकी ज़िंदगी में, आप दिन भर इसी के बारे में सोचते रहते हो, पर ये नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त में आप मांगो और भूल जाओ, ये मैनिफेस्टेशन का भी रूल है कि मांगो और भूल जाओ, उस चीज़ के पीछे मत पड़ो,
जिस चीज़ के पीछे पड़े रहोगे ना, वो चीज़ अचीव करने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, बहुत डिफ़िकल्टी। बट आप जो चीज़ दिल से चाह रहे हो, एक बार मांगो और फिर यूनिवर्स पे पूरा भरोसा रखो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए हो ही जाएगी। एंसेस्टर्स, पास्ट लव्ड वंस के ऊपर भरोसा रखो, कह दो कि हाँ ये चीज़ हो ही जाएगी, इसके बारे में दो बार सोचने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, और फिर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में अचीव करते हुए आप अपने आप को पाओगे। ओके, साथ ही काफ़ी बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि दो चीज़ों के बीच में यू नो पुल आउट हो रहे हो, ये करूं या वो करूं, ऐसे जीऊं या वैसे जीऊं, इस पाथ को चूज़ करूं या उस पाथ को चूज़ करूं। आपके एंसेस्टर्स कहना चाह रहे हैं कि अभी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू ऑफ वॉइसेस, साथ ही हमारे पास नाइट ऑफ इमोशंस है, विच शोस गो विथ अ स्लो पेस। ठीक है, स्लो पेस के साथ चलो। ऐसा नहीं है कि आज ओवरनाइट ही हमें जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म करनी है, ओवरनाइट ही हमें फाइनेंस अचीव करना है, ओवरनाइट ही करियर में चेंज चाहिए, या फिर ओवरनाइट ही सोलमेट या ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करना है लाइफ में। एक स्पीड के साथ जाना ज़रूरी है। एक हाँ, चीज़ें फास्ट होना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम चीज़ें जल्दी का काम वो शैतान का काम होता है, कहते हैं ना इसका, तो जल्दी का जल्दी जो पाओगे वो इनकम्प्लीट पाओगे समवेयर, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, आप सोलमेट ट्विन फ्लेम रियूनियन चाहते हो, पर जिस स्टेज में आप आज उनको देख रहे हो, क्या वैसे ही आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में? वो आज ईगोइस्टिक हो सकते हैं, एटीट्यूड में हो सकते हैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर आपकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। ऐसे स्टेज में क्या वैसे ही स्टेज में आप उनको अट्रैक्ट करना चाहते हो वापस? नहीं ना, आप चाहोगे ना कि उनमें चेंजेस आए, उनमें बदलाव आए, वो समझे आपकी बात, सुने आपकी बात, अंडरस्टैंड करे, रिस्पेक्ट करे, राइट? तो ये चेंजेस तो ओवरनाइट नहीं आएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा पेशेंस रखना भी ज़रूरी है और एक पेस के साथ जाना ज़रूरी है। उसके लिए आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अभी आज ही डिसीजन लेना ज़रूरी नहीं है कि मैं मेरी लाइफ के साथ क्या करूं। अगर इतना टाइम रुक लिए हो तो और थोड़ा टाइम रुक लो। आपको लग रहा होगा कि यू नो गले तक पानी, नाक तक आ गया है, अब चुनना ही पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। टेक योर टाइम, स्टैंड लेने में भी एक टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप किसी भी चीज़ पे झगड़ा कर दो, किसी भी चीज़ पे स्टैंड ले लो और फिर थोड़े दिन बाद आपको रियलाइज़ हो जाए कि वो फालतू में कर लिया मैंने, इस पे बोलना ज़्यादा ज़रूरी था, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक पेस के साथ जाएं। आपके एंसेस्टर्स कहना चाह रहे हैं कि दो राह है आपके सामने, पर अभी गाड़ी को स्टार्टर मार के कोई एक चुनना ज़रूरी नहीं है। वहीं पर रुको, एग्जामिन करो आपको कौन सा सही लग रहा है, आपको कौन सा रास्ता चुनना है, आपका इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं, एंजल्स क्या कह रहे हैं, कैसे यू नो फिगर आउट करने की कोशिश करो। पहले अपने आप को समझो, पहले अपने आप को हील करो और फिर आप आगे जर्नी के बारे में सोचना। ऑल्सो आपके एंसेस्टर्स ये आपसे कहना चाह रहे हैं, विथ नाइन ऑफ मटेरियल्स वी हैव, म्यूज ऑफ मटेरियल्स वी हैव, कि फाइनेंस एंड करियर ये फ़िलहाल में आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए मोर देन एनीथिंग एल्स। ओके, अपने आप को सिक्योर करना, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना। इसमें दो चीज़ें हो सकती है कि आप फाइनेंशियली वीक हो, या फिर सेकंड थिंग ये हो सकता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो पर किसी ज़रूरत के बिना किसी को हेल्प कर रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। अपने बजट को बाहर ले जाकर देखिए, फाइनेंशियली जिसको ज़रूरत है उसको हेल्प करना, इट्स ओके, इट्स राइट, बट एट द सेम टाइम आप जब किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, आप उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट करा रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। यानी कि वो इंसान जब भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में होगा, वो आपके सामने आएगा, आपसे पैसे मांगेगा, उसको इजीली पैसे मिल जाएंगे और वो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप आदत डलवा रहे हो उसको अपनी, राइट? उसी तरह से समवेयर दान भी जब आप कर रहे हो, डोनेशन भी जब आप कर रहे हो, तो अपना बजट देख के करो फर्स्ट थिंग, एंड डोनेशन भी कि एक वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में करो, थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ। ओके, किसी को अपने ऊपर डिपेंड करा लेना, यानी कि उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर ले लेना, एंड देन आप उसको, उसकी ज़िंदगी में आप समवेयर एक कार्मिक रिलेशनशिप बन के आए हो फिर, राइट? क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी डिपेंडेंट बना रहे हो, इंडिपेंडेंट नहीं बना रहे हो उसको। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दो चीज़ें। फाइनेंस अगर आप सिक्योर नहीं हो तो फोकस ऑन सिक्योरिंग योरसेल्फ फर्स्ट, एंड सेकंड थिंग, अगर आप
फाइनेंशियल सिक्योर हो, किसी को हेल्प कर रहे हो फाइनेंशियली, देन एक बार अपनी ज़िंदगी टटोल कर देखो कि क्या वो इंसान आपके बिना अधूरा बन जाएगा अगर आप पैसे देना बंद कर दोगे, या फिर इंडिपेंडेंस उसको कहीं ना कहीं, उसकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है आपको समझना है, उसकी भी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, उसका भी एक स्पिरिचुअल पाथ है। अगर वो चीज़ उसको उस वक्त में नहीं मिल रही है तो यूनिवर्स के अगेंस्ट जाकर उसको वो चीज़ दिलाना, क्या आप उसकी ज़िंदगी में कार्मिक बन रहे हो? ठीक है, ट्राई टू फोकस ऑन दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आई होप कि आपको, आप में से कई लोगों को शायद ये पॉइंट रेजोनेट होगा, कुछ लोगों को हो सकता है ना हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो एक आप लोगों को बताना फ़िलहाल में ज़रूरी था। विल सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंसेस्टर्स की तरफ से, पास्ट लव्ड वंस की तरफ से। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हमें मैसेज दीजिए आपकी तरफ से। ओके, आई एम ब्रेकिंग द डेक, चार कार्ड्स निकाल रहे हैं हम, राशियों के हिसाब से देखेंगे। फर्स्ट कार्ड वी हैव एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, फर्स्ट थिंग जो आया है वो फ्रीडम है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए, आप लोगों के लिए फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है आपके एंसेस्टर्स और आपके पास्ट लव्ड वंस की तरफ से, कि आपको वो कहना चाह रहे हैं कि आप किसी बंधन में नहीं हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माता पिता, आपके बच्चे इतनी ही होती है, आप किसी और की जिम्मेदारी अपने आप के ऊपर फर्स्ट थिंग ना लो, और वो फ्रीडम और वो पावर आप जो चाहते हो वो आपके पास ऑलरेडी है, उसको यूज़ करना शुरू करो। ओके, अपनी हैप्पीनेस, अपनी फ्रीडम, हम खुद वो रेशा ड्रॉ करते हैं, वो फ्रीडम की रेशा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की रेशा, वो लिमिट हम खुद बनाते हैं। ओके, अगर आप फ्री होना चाहते हो, फ्रीडम रखना चाहते हो, तो आज भी आपको कोई नहीं रोक रहा। ओके, आप वो पावर पोजेस करते हो, आपके अंदर ऑलरेडी वो पावर है अपने आप को खुश रखने की, किसी और की वजह से आप खुश या फिर दुखी नहीं हो सकते हैं, आप सिर्फ अपनी वजह से खुश या फिर दुखी हो सकते हैं। सो अगर दुखी हो तो यूँ चुटकी बजाते खुश बन सकते हो, अगर आप उस वो पावर अपने अंदर जो है आपकी वो आप समझ लो तो। ओके, किसी की अचीवमेंट्स हमें खुश या फिर नाराज नहीं कर सकती हैं, हमारी खुद की ही कर सकती हैं, राइट? सो बी हैप्पी, आपने बहुत डिफ़िकल्टीज देखी हैं लाइफ में और उनको क्रॉस करके आगे आए हो, सो यू शुड बी हैप्पी, यू डिज़र्व टू बी हैप्पी, एंड खुश रहो, फ्री रहो, फ्रीडम अपना एक्सेस करो। नेक्स्ट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए, हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है। आपके एंसेस्टर्स जो हैं ये आपको कह रहे हैं, अगर कोई लॉन्ग टर्म डिसीज़ है एक तो मेडिकल चेकअप कराओ, हेल्थ का ध्यान रखो, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, इन चीज़ों से दूर रहो। ओके, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे फोकस करो। ओके, एंड स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करो। स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ आप, कोई ऐसा नहीं है कि आप डूब गए स्पिरिचुअलिटी में, अपनी 3D वर्ल्ड में अपने जीना ही छोड़ दिया, ये मत करो, ये भी सही नहीं है। हम कौन से युग में जी रहे हैं, हम कौन सी रेल्म में जी रहे हैं, यानी कि हम 3D में जी रहे हैं, तो वो जानकारी रहना और वो समझ रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, आजकल की दुनिया में ऐसा भी नहीं कर सकते कि देते रहो देते रहो देते रहो, लोग ले लेके आपको पूरा खाली कर देंगे। ठीक है, वैसे युग में नहीं जी रहे हम लोग, कलयुग में जी रहे हैं, है ना? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक लिमिट में ही हम सब कुछ कर सकते हैं। सो फिजिकल एंड मेंटल अपने आप को स्ट्रांग रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। बी हैप्पी, बी स्ट्रांग, ठीक है, फिजिकली फिट रहो। अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृष, कन्या और मकर राशि वालों के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अभी थोड़ा सा लोगों को हेल्प करें, जिन्हें ज़रूरत है और जो हेल्प मांगते हैं उन्हें ही हेल्प करो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप हेल्प करें, डू गुड फॉर अदर्स, हेल्प अदर्स, तभी आप भी अच्छा फील करोगे। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग यू, बजट का ध्यान रखना, अपना खुद का
निकाल के अगर दे रहे हो तो दैट इज़ रियली रॉन्ग. आपके पास एक्स्ट्रा है आप दे रहे हो, दैट इज़ ओके. ठीक है, यूनिवर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं जो इसको दे रहा हूँ इस इंसान को कदर ही नहीं है, फिर मैं इसको क्यों दूँ, है ना. ये भी नहीं लगना चाहिए. यानी कि पंछियों को खाना खिलाओ. हम कितना खाना रोज़ वेस्ट कर देते हैं. ओके, उनको पंछियों को, स्ट्रीट डॉग्स को हम खाना खिला सकते हैं. ओके, जो बेगर आते हैं हमारे घर पे उनको एक वक्त का खाना दिलाना. मैं ये भी नहीं कहूँगी कि उनको पैसे दो, आपको पता नहीं वो पैसे का क्या करेंगे, पर एक वक्त का खाना उन्हें आप दे सकते हो. ठीक है, अपने घर पे पुराने कंबल वगैरह हम पोछा बना देते हैं उन कंबल का, कपड़ों का, है ना. उसको अच्छा, अच्छे कंडीशन में है तो दान करो, है ना. किसी ज़रूरी इंसान को मदद करो, जैसे ज़रूरत है उसे मदद करो. ठीक है, नेक्स्ट आई सी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस. आपके एंसिस्टर्स, आपके पास्ट लव्ड वंस आपको कहना चाह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, वो आपके साथ है. लोनलीनेस का कार्ड आया है, दे आर विथ यू, वो हैं आपके साथ, आप कभी भी अकेले नहीं हो. वो स्ट्रेंथ बनकर आपके साथ खड़े हैं, एक सपोर्ट बनकर आपके साथ खड़े हैं. आप अकेले नहीं हो और जब भी आप पुकारोगे वो आपकी मदद करने आएंगे. ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज मुझे दिखाई देता है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि वालों के लिए. सो ये था गाइज आज का रीडिंग, एंसिस्टर्स एंड पास्ट लव्ड वंस की तरफ से मैसेज. अगर आज का रीडिंग आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, रेजोनेट हुआ या नहीं. साथ ही आपके पास अगर कोई वीडियो आइडियाज़ है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दें. अगर एंजल थेरेपी का नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हो, स्टार्ट हो रहा है 12th जनवरी से. अगर एंजल थेरेपी का बैच नंबर 2022 में शुरू हो रहा है, 20 बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 7666157456. मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए. मैं पर्सनल रीडिंग्स फ़िलहाल में नहीं ले रही हूँ गाइस, जब भी मैं पर्सनल रीडिंग्स ओपन करूँगी आपको चैनल पे नोटिफाई ज़रूर कर दूँगी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, एन्जॉय.